हाल चाल क्या निका? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत साथ खैरियत से हो गया। और आप ही लोग मिलना जा रही है फर्स्ट चार से। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अरिबा सलीम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ बारात का व्लॉग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग ज़रूर देखें। और ये देखें, ओजेल और सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो बस इंजॉय करें, देखें पूरा व्लॉग। तो यहाँ पर ना हम लोग पहुँच गए हैं वेन्यू पर, और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटो सेशन कर लिया, क्योंकि जो दूल्हे के साथ रस्में होती हैं दरवाजे पे वो हो रही थी। ये दोनों मेरे भाई और ये मेरे पापा, ओजिल अपने नानू के साथ। माशाल्लाह दूल्हा होता है तो तो यहाँ पर जब दूल्हा आ जाता है मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर जब दूल्हा बारात लेकर आता है तो लड़की के घर वाले जो होते हैं वही वाली रस्म करते हैं। यहाँ है दूल्हे राजा और उनके फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद हम लोग का भी बहुत प्यारा सा वेलकम हुआ। आई लव यू, आई लव यू टू, थैंक यू। क्या खा रहे हो? ओजिल ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, फाइनली उसने कुछ थोड़ा बहुत खाया था यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब लोग आ गए थे ये डाला लेकर, जो लड़की का सामान होता है वो लेकर इस तरीके से लड़के आते हैं लड़के वालों की साइड से, और फिर जो लड़की वाले होते हैं वो उन्हें नेक देते हैं। बड़ा ही मज़ा आता है, खूब हंसी मजाक होता है। यहाँ पर फिर हो गया था निकाह। तो बस ये ना बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है जिसकी भी शादी हुई होती है, तो उसको ना जब भी किसी और की शादी या निकाह का मोमेंट देखते हैं ना, तो वही अपना कबूल है मोमेंट याद आ जाता है। तो क्या आप लोगों को भी याद आया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ बैठे हैं मेरे दोनों पापा, मेरे फादर इन लॉ, मेरे पापा दोनों यहाँ साथ बैठे हैं। फिर निकाह हो गया है, मुबारकबाद दी जा रही है। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी।
यहाँ पर ना ओजिल की डांट पड़ी थी क्योंकि उसके सारे कपड़े गीले हुए थे। किसी बच्चे ने उसके वॉशरूम ले जाके उसके सारे कपड़े गीले कर दिए थे और उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड भी थी तो उसको ठंड लग रही थी। फिर मैंने उसको फटाफट चेंज किया था, उसके बाद उसका कोई पिक्चर नहीं था। उसने बहुत ही थोड़ी देर के लिए वेयर कर पाया था ये ड्रेस। तो बस फिर उसके बाद सबने डिनर किया और फोटो सेशन वगैरह हुआ। मैंने ओजिल को चेंज करवा के खुद भी चेंज कर लिया था क्योंकि लहंगा था और ओरहान छोटा है तो थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल रहता ही है। तो बस फिर मैंने ये कंफर्टेबल सा एक आउटफिट डाला था। कैसा लग रहा है मेरा लुक आप लोग बताइएगा। तो दुल्हन भी यहाँ पे फिर रेडी होकर आ गई थी, निकाह के बाद ही रेडी हुआ जाता है यहाँ। तो यहाँ पर फिर दूल्हा और दुल्हन को साथ बिठाया और जो भी ट्रेडिशनली रस्में होती हैं उनको अब किया जाएगा। यहाँ पर दूल्हा अब दुल्हन को देगा मुँह दिखाई, आज जो सबसे पहली बार देखेगा। तो जो भी कोई गिफ्ट होता है वो सबके सामने यहाँ पे देते हैं। और आप ही लोग मिलना जा रही है फर्स्ट चांस से, तो जाइए जाइए छोड़ना मत, दोनों आदमी को बोलना है क्या बात रहे हैं। तो आप बोलिएगा कि जलन जलन कर दी क्या, क्या बात रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आप क्या बात रहे हैं, तो बोलिएगा कि जलन जलन का गिड्ढा क्या बात है बाबू बेटा। बस ही दोनों मिलके जितना अम्मा का दूध पियो बेटा, निकाल लो तो ताकत है। छोड़ना नहीं, जितना ताकत से खींच सकते हैं। बेटी मिल के टान रही है, देखो कौन कितना दूध दिया है, देखिए कौन कितना दूध दिया है। अल्लाह दिल में मोहब्बत देने वाले हैं, इससे और उससे क्या होने वाला है, अल्लाह की तरफ से जोड़ा बनता है। माँ बाप का किसका घर भर रहे हैं? हम बोलेंगे ना किसका घर भर रहे, तो आप बोलेगा सास ससुर का, ये बोलेंगे माँ किसका घर भर रहे हैं।
सास ससुर दम छत्ते में ठेक आइए लंबा करके दूर से आखिरी में एकदम छत्ता ठिकाना हाथ लंबा कर लो एकदम छत्ता किसका घर वाले हे गाइस अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज ना हाँ चांद का निकाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत साथ खैरियत से हो गया और अभी रुखसती का वक्त है तो अभी रुखसती होगी तो बस अभी हम लोग वही वेट कर रहे हैं सती हो गई थी फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया मैं सो गई थी क्योंकि रात भर के थके थे सुबह दो दिन से ट्रैवल कर रहे थे फिर उसके बाद हम लोग रुके थे एक ढाबे पे जहाँ पे हमने पी थी बहुत ही मस्त वाली चाय और ये लिट्टी चोखा वहाँ का फेमस रियाली तो मम्मा लोग को भी खिला दिए ना पसंद आया उसको सबको पसंद आया है बहुत टेस्टी अरे बहुत आपने अकेले अकेले खा ली मुझे बताया भी नहीं मैं लिट्टी की वजह से आई हूँ तुमको याद करता हूँ मेरे पेट में दर्द होता है ठीक मिला के खाइए ना जी पूरा लीजिए पूरा इसमें सब मिलाइए अरे तो कितना दूर आता लिट्टी खाने हाँ बहुत टेस्टी है यहाँ पे जो दोस्त लोग ग्रुप के सामने निकलिए हम यहाँ पे आए बाइक से दोस्त लोग हाँ तुम लोग आते हो चाय पिए लिट्टी खाए तो घर गए यहाँ से हाँ मैं तो यार बस देख रहा हूँ मैं उधर नहीं देख रहा क्या चीज़ मैं खाना लिट्टी खाना खा लिया एक बार एक बार टेस्ट करिए नहीं टेस्ट कीजिए नहीं यहाँ का ये इसके साथ और चटनी के साथ खाइए रुक जाइए ठंडा है यार ये तो फिर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया मैंने उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और हम लोग 10:30 बजे रात में घर पहुँचे थे आप मेरी हालत देख सकते हैं तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें चैनल को थैंक यू सो मच